गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सी। मैंने यहाँ पर मैच हो रहा है कोपा लिबर्टाडोरेस लीग का, जो कि खेला जाएगा पीआरएनई वर्सेस एलआईबी के बीच। और इनके जो पॉइंट टेबल के अंदर चार टीम्स हैं, मतलब इनके ग्रुप में, सो चार टीम के अंदर ये दो भी मतलब बढ़िया टीमें हैं। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस मैं इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की, देन पीआरएनई वर्सेज एलआईबी के अंदर मैं आपको बताऊं कि डबल साइड यहां पर ये मैच रहने वाला है। पूरा मैच एनालाइज्ड है बट वीडियो नहीं बना पाया लंबी यार, क्योंकि आज मैंने किसी भी मैच की वीडियो नहीं डाली ड्यू टू सम वर्क, ठीक है। तो बात करें इस मैच की, तो देखिए इस मैच के अंदर दोनों तरफा ज़बरदस्त टीम है, या मैं बोलूं कि एक तरफ अच्छी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करें पीआरएनई के मेन प्लेयर की, जिसका नाम है रॉक्यू, एंड रॉक्यू ऐसा खिलाड़ी है जो मोस्ट गोल करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा असिस्ट भी इसकी हैं। और असिस्ट तो चलो छोड़ो, एक आधी असिस्ट तो सीज़न के अंदर मैं वो नहीं कह रहा, अभी तो यार शुरुआत है, नॉकआउट मैच है तो वो तो छोड़ो, चलो असिस्ट छोड़ो, मैं बात कर रहा हूँ पेनल्टी की, ठीक है। पेनल्टी बहुत अच्छी लेता है। एंड आगे से बात करें कैडोज़ो की, जिस लीग की ओरिजिनल टीम है, जैसे कि ये टीम शुरू से तो इस लीग में नहीं खेलती, तो जिस ओरिजिनल लीग में ये टीम खेलती है उसके अंदर कैडोज़ो एक मेन खिलाड़ी है। मतलब आप ये लगा लीजिए, जब जब यहाँ पर ओ कैडोज़ो खेला है तो उसने मैक्सिमम गोल किए हैं, जब जब भी वो एलआईबी की तरफ से खेला है कोई मेगा मैच, और जो इनकी ओरिजिनल लीग है उसमें भी चार चार गोल भी हैं इसके एक मैच में। तो इसलिए कैडोज़ो की एक मेन ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है ना। आगे से बात करें पी फिलिप टेक्सेरा की, तो दोनों तो मेन है, आप सब जानते हैं कि देखिए जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो जाए ये खिलाड़ी, बट वी रॉक्यू एंड पी फिलिप टेक्सेरा कहाँ हटने वाले हैं, क्योंकि पीआरएनई के जो फेवर में रहेंगे वो लोग इन्हीं को लेंगे। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, देन यहाँ पर मैं लूँगा गाइस पीआरएनई के पहले खिलाड़ी को, जिसका नाम है डेविड टेरेंस, ठीक है। टेरेंस के बाद आपको बता दूँ कि यहाँ पर और अच्छे ऑप्शन आपको मिलेंगे, बट उसमें क्या कि यहाँ पर ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही हैं, बट खेलेंगे कुछ लिमिटेड प्लेयर्स ही, सो अभी डिसाइड करना मैं कहूँगा इट्स हार्ड, ठीक है। अभी सोचना काफ़ी मुश्किल है। सो आप वी बुएनो या फिर फर्नांडिनो को ले सकते हो। एक्चुअली फर्नांडिनो के पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसने अर्जेंटीना की तरफ से भी एक आध मैच खेल रखा है, सो आई एम टेकिंग दिस प्लेयर। एंड विलाल्बा की बात करें, विलाल्बा को तो आप ले लो। एंड अगला जो मेरा खिलाड़ी है वो आपके सामने, इसका नाम है मेल ग्रेजो। एक्चुअली ये मेल ग्रेजो बहुत नॉर्मल है, इतना बैटर नहीं है, बट टीम में ले रहा हूँ। बात करें डिफेंडिंग की, पी हेनरिक रिबेरियो और यहाँ पर पी हेनरिक परेरा, दोनों प्लेयर का नाम एक है लेकिन काम अलग अलग, भाई साहब बहुत खतरनाक खेलते हैं। और टी हेलेनो को अगर आपने लेना ले लो, बाकी अगर मान लीजिए मेरा कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा, मान लीजिए इन तीनों खिलाड़ियों में से मेरा कोई एक खिलाड़ी नहीं खेलता, भले ही वो हेलेनो हो या हेनरी को, तो उसकी जगह पर आप नीचे से डिफेंडर ले सकते हैं, क्योंकि के रोचा लीमा हो गया, एम फिलिप हो गया, एम फरेरा हो गया, ये सारे के सारे एक नंबर के चले हुए खिलाड़ी हैं गाइस, बहुत ज़बरदस्त। तो बात करें यहाँ पर गोल कीपर की, देन यहाँ पर मैं लूँगा एम सिल्वा को, बनता तो यही है खिलाना, क्योंकि इनका मेन प्लेयर तो यही है, बाकी अब ये किसको खिलाते हैं वो लोग यही जानते हैं। और आगे से अगर मैं बात करूँ कैप्टन की, तो जो मेरा कैप्टन है वो है रॉक्यू, एंड जो मेरा वाइस कैप्टन है वो पहले मैं सोच रहा था कैडोज़ो को रखने की, बट कैडोज़ो रिस्की हो सकता है यहाँ पर, सो मैंने पी फिलिप टेक्सेरा को चुना। तो ये अपनी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।